जिस तरह के अजकल कैंसर दे पेशेंट बढ़ रहे ने ते कई बार सानू भी फिक्र हुंदा है कि ये साडे परिवार विच जां साडे दोस्तां मित्रां विच वी ना आ जावे। तो मनुख डरदा है, कल्ले डर नाल काम नहीं चलना। वो किहड़ियां गल्लां ने जिहदा असीं ध्यान करांगे ते सानू ये नामराद बीमारी नहीं होवेगी। बहुत छोटियां छोटियां गल्लां ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तुहाडे काम दियां ने जो कि असीं कर सकते हाँ। हल्दी मिर्च घर दे विच जिहड़ी है मार्केट दे विचों ना लैके आया करो। इहनू अपनी हल्दी नूं तुसीं गंढियां लैके पिसवाया करो, क्योंकि इहदे विच जिहड़ा कलर मिला दित्ता जांदा है ये बहुत खतरनाक है। कलर जिहड़ा है कुदरती तौर ते अजकल नहीं बनता, ये सारा कैमिकल तो हुंदा है जो कि तुहाडे खून विच जाके तुहानूं बीमार बनाउंदा है और कैंसर वल नूं तकदा है। गरीब लोकां विच कैंसर फैलण दा सब तो वड्डा कारण ये है। मैं देखदा हाँ घर दे विच पति भी कैंसर ना मर गया और पत्नी भी कैंसर ना मर गई है। एक परिवार दे विच कंबाइन फैमिली दे मैं चार बंदियां नूं पांच बंदियां नूं कैंसर देखिया, एक परिवार दे विच दोवां नूं देखिया, एक होर परिवार च दोवां नूं देखिया, गरीब फैमिली सारी। वजह कि वह मार्केट विचों सस्ता मिर्च और हल्दी लै लैंदे ने, 150-200 रुपए हल्दी कित्थों मिल जाएगी। तां उहदे विच जिहड़े कलरस हुंदे ने, मिर्च दे विच कलर आउंदा है, वह बहुत वड्डा जिहड़ा नुकसानदायक है। गरीबां नूं एक होर वड्डी मार पैंदी है, वो बहुत जिहड़ा सस्ता तेल लैंदे ने खाना बनाउण वास्ते, वह भी कितें ना कितें बहुत नकली या हल्के स्तर का हुंदा है, वह भी कैंसर कारक है। तो इस तरह दीआं गल्लां करके असीं भी इस चपेट तो बच सकते हाँ। हल्दी मिर्च नूं तुसीं घट्टो घट्ट आप कोले जा के किसी पीसण वाली थां ते इन्हां नूं आप पिसवा के लिया करो, कि क्योंकि रंग बहुत पैंदा है और बहुत नुकसानदायक है। जिदां मार्केट दे विच तुसीं कदे मिठाई लैंदे हो तां मिठाई रंग वाली ना लिया करो, कोशिश करो घट रंग वाली खरीदो। बाजार की मिठाई नहीं, घर बना के सब कुछ खा लो, पर जे खरीदनी पैंदी ते घट्टो घट बिना रंग दीआं चीज़ां खरीदो, तां फिर मार्केट विच भी उही चीज़ां विकणगियां। जिदां खाण दीआं चीज़ां दी मैं होर गल करां, जिदां अनसीजनल फ्रूट और वैजीटेबल्स की गल करिए, जिहड़े फ्रूट सीजनल नहीं हुंदे, जिदां सेब अजकल तुसीं खाओगे तां उहदे च की आ कि उहदे ते मोम लगी होएगी, तां फिर वह कितें तुहाडे पेट च जाएगी ते तुहानूं बीमारियां दा रोग दा घर बना देगी। सो तुसीं की करना है कि सीजन दे फ्रूट जरूर खाओ, सीजन दीआं सब्जियां खाओ जो स्टोरां च ना पईआं रहीआं होण, तां तुसीं उहनां नूं प्रयोग करके भी इन्हां चीज़ां तों इस बीमारी तों बच सकदे हो। अगली गल कि असीं घर दे विच चाह पाणी बनाउणे आ, दुध गर्म करदे आ, तां उहनूं कदे वी प्लास्टिक दी पौणी विच दी ना लगाओ, उहदी थां ते मैटल दी लै के आओ, तां कि प्लास्टिक भी कितें खून विच जा के तुहानूं बीमारी दे नाल इह ग्रस्त कर सकदी है। इसे तरीके दे नाल जिदां घिओ ने रिफाइंड तों बचो, तुसीं कुदरती तेल ने तुहाडे कोले सरों दा है, तिल दा है, नारियल दा है, इदां बहुत सारे तेल मिल जाणगे, मूंगफली दा तेल, सूरजमुखी दा तेल, देसी घिओ तुसीं प्रयोग करो, रिफाइंड आयल नूं छड्ड दिओ। इह वी कितें ना कितें तुहानूं बीमार बणाउंदा है, बीमारियां दा घर बणाउंदा है। बाजार दे विचों फ्राई फ्रूट ना लिया करो, घरे फ्राई करके खा लिया करो, घर दे ऑयल दे विच। डब्बा बद्ध जूस पीण दी कोशिश ना करिया जे। उदाहरण दिंदा, तुसीं घर दे विच जूस कढ लो, सेब दा, संतरे दा, माल्टे दा, 1-2 घंटिया बाद उहदा रंग बदल जाएगा, उहदा जिहड़ा है उहदा स्वाद बदल जाएगा। तां तुसीं मार्केट चों 6 महीना पैक जिहड़ा पहलां दा, 3 महीनां दा पैक लै फूड लै के तुसीं जूस लै के पीते हो, कि उस किदां ठीक होएगा, क्योंकि उहदे च प्रिजर्वेटिव पा दित्ते जांदे ने, उहनूं ठीक रखण लई, खराब होण तों बचाउण लई कैमिकल पा दित्ते जांदे ने, कलर पा दित्ते जांदे ने, फ्लेवर पा दित्ते जांदे ने। तुसीं पढ़ लिओ तुहाडे जूस वाले डब्बिआं ते, जो तुसीं बीमार व्यक्तियां नूं कई वारी पिला दिंदे हो, चंगा तुसीं अणजाणपुणे विच पाउंदे हो, वेखिओ 10 जां 20% पल्प होएगा, बाकी सारा मिठा होएगा जां पाणी होएगा, रंग होएगा, फ्लेवर होएगा, तुसीं इहदे तों बचणा है। और एक काम जिहड़ा असीं होर गलती कर जांदे आ, देखो सैलीब्रिटीज़ नूं, चाहे नेता ने चाहे एक्ट्रेस ने, उन्हां नूं कैंसर बहुत हुंदा, उह बहुत मेकअप करदे आ, नेता स्ट्रैस च बहुत रहिंदे, असीं स्ट्रैस तों बचणा है, और एक्ट्रेस भी बहुत स्ट्रैस च रहिंदे ने, सिंगर बहुत स्ट्रैस च रहिंदे ने, उह तों असीं बचणा है। और मेकअप जिहड़ा है उन्हां दा बहुत हुंदा साडे एक्ट्रेस दा, इस लई उह वी शिकार हो जांदे ने कैंसर वर्गी बीमारी दा। बहुत ध्यान रखदे ने सिर दा, पर फिर उन्हां दी मजबूरी हुंदी है मेकअप रखणा और करवाउणा, तां उह कितें ना कितें बहुत वड्डे कैमिकल जदों उन्हां दे शरीर ते थप्प दित्ते जांदे ने तां उह कैंसर दे कारण हो सकदे ने। तां असीं घरां दे विच लिपस्टिक नूं मेरियां भैणां ने घट लाउणा है, संदूर जिहड़ा है उह अच्छी क्वालिटी दा जां घट तों घट प्रयोग करना है, और जिहड़े तुसीं फेस दे वाश करन वाले पदार्थ ने उह घट प्रयोग करो, शरीर सारे ते साबण ना लाया करो, जरूरत होवे तां घट लाओ, इदां तुसीं साबण ला ला के अपने आप नूं गोरा नहीं कर सकते और हो भी नहीं सकता, ये सिर्फ टैलीविजन दे विच एड्स तुहानूं प्रभावित करदी आ।
लोशनज लाते जो तुम बॉडी के उत्ते ना लाया करो, नैचुरली ऑयल का प्रयोग करो। इस तरीके जोड़ा है तुम कई बार सर्दी होट पाटन तो बचाने लिए जी तुम स्टिक लाते हो उन्होंने घट तो घट प्रयोग करो। बहुत सारिया छोटिया छोटिया चीज़ा हो सकदिया ने जो तुम बीमार कर दया ने। नॉन स्टिक जो घर खाना बनाने का भांडा है यदि थान पर नैचुरली भांडिया वरत्या करो। पित्तल वाले अच्छ कले कीत्या बनाओगे तो चंगा, मिट्टी वाले बनाओगे तो होर भी वधिया। नहीं घट्टो घट नॉन स्टिक की थान पर सिल्वर के भांडे की थान पर होर भांडिया थान दो कि तुम ठीक रह सको। डिटर्जेंट जड़े ने चाहे वह वाल धोने वाला शैंपू है तो उन्होंने कटाओ, घट तो घट प्रयोग करो, अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करो। वो थान पर दही या लस्सी का प्रयोग कर लो तो बहुत चंगा होएगा, कुदरत ना जुड़ना तो फायदे होंगे। आंवला शिकाकाई हर जड़ा है वह आंवला और शिकाकाई का तुम रीठे का प्रयोग कर सकते हो, कुदरती तौर पर पदार्थों जुड़ जाओ, चंगी गल है। तुम अपने कपड़ों बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट पा पा के ना धोया करो, घट तो घट प्रयोग करो, अच्छी क्वालिटी के यूज़ करो क्योंकि वह भी कितने ना कि चमड़ी के रोग पैदा करने सहायक है क्योंकि वह कपड़िया के पूरी तरह निकलता नहीं। असं थोड़े जे पानी सारे कपड़े धो के धो दें और वॉश करने की कोशिश करते हैं, वो डिटर्जेंट पूरी तरह निकलता नहीं। इस तरह एस एल एस सोडियम लॉरल सल्फेट जो शैंपू च है जोड़ा डिटर्जेंट पाउडर के उही भांडे धोने वाले उस टिक्की दे उस बार विच है वह भी भांडिया पूरी तरह निकलता नहीं। कोशिश करो वो ही कुदरती तरीके जिमें असी पहला साफ करते सी तुम कर लोगे या घट तो घट प्रयोग करोगे नैचुरली जोड़ा है बायोइंजाइम बनाया जा सकता फ्रूट का इन्होंने भांडिया वास्ते वो थोड़ी जी मेहनत कर लो तो वह नैट पर जाके तुम पता कर लो तो सेहत और तो परिवार की सेहत ठीक रहेगी। ये कर सकते हो और पॉल्यूशन तो बचो, घट्टो घट ऐसिया जगह पर घट तो घट जाओ जिथे बहुत ज़्यादा धुआं हो। मार्केट जाना है तो उस मार्केट चले जाओ जिथे लोग पैदल फिरते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा या पॉल्यूशन नहीं है, ये कर सकते हो। लास्ट एक हल है जिहड़ा बाबे नानक ने भी कहा अपने सिद्धांत में, सब तो पहला सिद्धांत दिता सी किरत करो फिर आख्या सी नाम जपो ते वंड छको। असी किरत करके भी बीमारी तो बच सकते हैं। किरत करना है अपने आप को बिजी रखना, काम दे विच मशरूफ रखना और स्ट्रैस तो बचना और अपने आप को ठीक रखना। शरीर जो मेहनत करेगा तो शरीर में गए हुए कैमिकल्स को भी कितना कितने वो बाहर कढ लेगा, तो जे वो काम नहीं करता फिर उसका पसीना भी निकलता, उन्हें जोड़ा है पेट भी उसका साफ नहीं होता, उन्हें पेशाब भी खुल के नहीं आता, तक वो अंदर कैमिकल्स रह जाएंगे। तो टॉक्सिक जोड़े ने वो बहुत बड़ी समस्या है। अजक साडा खाना बहुत सारिया खादा स्प्रेयां दे नाल तैयार हुंदा है जिहड़ा कि टॉक्सिक शरीर दे विच जमा हो जाते हैं। ये टॉक्सिक जहर तुहाडे शरीर दे बड़े नुकसान करते हैं। सो असी जे कम करांगे पसीने द्वारा बाहर निकलणगे, असी पानी पीवांगे कम करांगे पेशाब आएगा पेट साफ होएगा तो वह किसी ना किसी तरीके बाहर निकल जाएंगे। सो इन्हां गल्लां दा ध्यान करके असी इस बहुत गंदी बीमारी तो बच सकते हैं और असी ठीक रह सकते हैं। सो छोटिया छोटिया गल्लां ने, तुसी मेरे चैनल में सबसक्राइब करो और उहदे अलावा अपन तुसी इस वीडियो तो की सीखिया और तुसी कीड़ी गलती कर रहे सी इहदे बारे अपना विचार मैनू कमेंट दे विच जरूर दस्या जे और इहनू तुसी अगे अपने दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां नू भी भेजो ताकि उह छोटिया छोटिया गल्लां दा ध्यान करके बहुत वड्डा असर लैके अपने आप नू सेहतयाब कर सकन। सो इहदे विच मदद करो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।